चलो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन विद द टू कॉलम्स. दिस इज कॉलम वन, दिस इज कॉलम सेकंड. नाउ दिस इज ए गिवन टू यू एंड इन दिस when the column second Yeah. हाँ जी, ए इज मैचिंग विद तो ए का प्रोडक्ट बताओ पहले क्या. फोर्थ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन बी का, सी का, डी का क्या है, सी का क्या है, ये तो बड़ा सिंपल है. ऐसे हो जाए, हाँ ऐसे हो जाएंगे. नेट से ही मिलते हैं वो, नेट से तो मिल सकते हैं. बेटे दिस क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. Of their densities.
हाँ जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी अरेंज करो। जल्दी फोर्थ, फिर सेकंड। इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम डांसर कौन है, फिर अगेन फर्स्ट कम डांसर। फिर क्यों? बेटे बीआर का मोलर वेट ज्यादा है। अच्छा जैसे लिखा है ना वही ऑर्डर है। ये थर्ड कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, ध्रुव क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड, वो पढ़ते है उसके ऊपर मत जाओ, वो ओबीडिएंट है, रोज स्कूल आता है, रोज स्कूल आता है, वो अकेला जाए और कोई आए ना आए। क्या ख्याल है? 2,2-डाइमिथाइल, क्यों?
ये है आपके पास द कंपाउंड इज क्यों ए भी क्यों है ऐसा नहीं होता देखो सी ऑप्शन है होगा क्यों होगा सुनो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है ना न्यूक्लियोफिलिक में ये क्राउडेड है तो इसमें कार्बोकेटायन बनेगा तो बी आर पहले निकलेगा बाहर तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है फिर एक मिथाइल शिफ्ट होती है ना? मिथाइल शिफ्ट सुना इसके बारे में मिथाइल यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CCH3 CH यहां पे लगा दो नीचे CH3 ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया जो कि सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल है समझ गए अब OH यहां पे आके अटैक करेगा तो आपका क्या बन रहा है टू 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 थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल यहाँ पे टू ही है ना टू ऑल देखो जाओ टू थ्री वाला बना क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट हो रीअरेंजमेंट की केस में एक सी एस थ्री एक सी एस थ्री ये आपको पेपर में देखनी ही पड़ेगी खुद कि रीअरेंजमेंट तो नहीं कहीं हो रही है अब एक और मैच द फॉलोइंग देखो कि मैं मैच द फॉलोइंग बड़ी बड़ी क्यों ले रही हूँ इससे चार एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं ठीक है चार टाइप के क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग होते हैं कवर
हाँ जी करो मैथ्स। इसकी कंप्लीट रिएक्शन, एक मिनट बेटे, इसकी कंप्लीट रिएक्शन ये बनेगी, रिएक्शन भी बनेगी। चलो सी वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है सी में? ऐड हो रहा है इसमें जाके एक्स बी आर, सब्स्टिट्यूट कहाँ है? और था ये जो लिखो है खार्स इफेक्ट है इसका, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफिन परोक्साइड के कारण में लग रहा है, तो सी का हो गया फोर्थ। आगे ए क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, कौन सी न्यूक्लियोफिलिक है? SN1 नहीं, SN2 है। दो न्यूक्लियोफिलिक लिखी हुई है ना बेटे, SN1 और SN2। पहली वाली SN2 है, फिर बी क्या है? तीन दिन, अब आपने ये चैप्टर पढ़ के आना है, तीन दिन क्या? ट्यूसडे तो चला गया, कल भी पढ़े आई हो, और उसके बाद हमने अल्कोहल फिनॉल भी करना है, मंडे को तो टेस्ट ही है आपका। बी क्या है? बी में एलिमिनेशन हो रही है कहीं से बेटे? सी पहले में आपका ये था और ये CH3 अभी का है, ये रीअरेंज हो गया, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बन गया, सेम तो नहीं बन रहा। और ध्यान से देखो कि एक बी आर गया, उसके यहाँ पे O2H5 आ गया, तो रीअरेंजमेंट तभी हो सकती है जब कार्बोकेटाइन बने हो, बीच में जब कार्बो के टाइन बने होंगे तभी रीअरेंजमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो कार्बो के टाइन किस मैकेनिज्म में बनते हैं? दैट इज SN1। हेलोएल्केन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन जाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। और कौन सा मैकेनिज्म ऑप्ट करते हैं? दैट इज SN1 और SN2। समझ आ रही है? दैट इज SN1 और SN2। SN1 में कार्बोकेटाइन बनते हैं, SN2 में बैक साइड अटैक होता है। SN1 वो जाता है जब भीड़ ज्यादा हो, ठीक है? तो ये इसमें भीड़ ज्यादा है, और अगर ये BR निकलेगा तो BR यहाँ, ये देखो CH3 यहाँ आ रहा है, ये उठ के यहाँ आ रहा है, तो ये क्या होगी? SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसको देखो ध्यान से, ये बी आर की जगह पे ओ एच आया, बी आर गया और ओ एच आया, तो ये भी तो सब्स्टिट्यूशन ही है। अब ये कौन सी SN2? क्योंकि इसमें ग्रुप छोटा है तो बैक साइड अटैक हो सकता है। थर्ड एडिशन हुई है, देखो ये एड ऑन हुआ है, सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, ये एच यहाँ आके लग गया और ये बी आर यहाँ आके लग गया, और ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा है, जिसे हम खार्स इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है? लास्ट अल्कोहली KOH की प्रेजेंस में, अल्कोहली KOH की प्रेजेंस में यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है, तब भी तो डबल बॉन्ड आ रहा है,
ये बी आर निकल रहा है और यहां से एच निकल रहा है, तो एच और बी आर निकला तब भी तो डबल बॉन्ड आया, तो ये कौन सी है बीटा एलिमिनेशन, इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल आके ये जो अल्कोहलिक का ओएच पहले एच पॉजिटिव पे अटैक करता है ये वाली में, ये साथ वाला बियर बाद में निकलता है, तो ये बीटा कार्बन पे पहले आके अटैक करता है। क्या बनना है आपका? हाँ ऐसे CH3, ये H है, ये निकलेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये बी आर यहाँ से निकलेगा, तो ये एच बी आर निकल जाएगा, मतलब ये एच ओ एच के साथ निकलेगा, तो हम कहते हैं ये वाटर निकल गया, ये बी आर ये के साथ निकल जाता है, तो हम कहते हैं के बी आर निकल गया, कुछ नहीं होता था। रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, राइट डाउन, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद अमोनिया, विद अमोनिया, 1 मिनट इज लेफ्ट आई थिंक, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड गिव्स, क्या देता है, ये है रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन इन प्रेज विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या प्रोडक्ट मिलता है आपको, ऑप्शन गिवन है पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट इज एनिलीन, प्रोडक्ट इज एनिलीन।